Yo, what's up everyone, it's Ubay Fejamal. Welcome back to my reaction channel, guys. Kaise hain aap sab? Close your eyes. तो आज मैं रिएक्ट करने वाला कोक स्टूडियो सीजन 14 के एक और गाने का नाम है फिर मिलेंगे। इसमें दो आर्टिस्ट होने वाले हैं, एक तो अपना यंग स्टूडेंट तला अंजुम तला यूनिस और फैसल कपाड़िया। आई थिंक्स ये जो पूरी इसका स्ट्रिंग्स होंगी, जो इसकी पूरी बैकग्राउंड की ऑडियो वॉइस और जो वोकल्स होंगे वो शायद ये बंदा करे। मुझे इनके बारे में नहीं पता, मैंने इनका नाम सुन रखा है एक बार अली सेठी के मुंह से फैसल कपाड़िया के बारे में, क्योंकि इन्होंने कोक स्टूडियो के स्ट्रिंग्स का कुछ उनसे कुछ रेफरेंस मैंने सुन रखा है, तो वो मुझे वो मेरे दिमाग में स्ट्रिंग करा हुआ है तो वो मुझे याद था, तो मैंने तुम लोग को बता दिया। रिसेंटली मैंने कोक स्टूडियो सीजन 14 के दो ट्रैक्स पे सुन चुका हूं मैं, एक तो अपना फारिश शफी भाई और इन लोग का था, तला अंजुम का, यंग स्टूडेंट्स का नहीं, हाँ तला यंग सुना नहीं था, फारिश शफी भाई और तला अंजुम का था। और जो उससे पहले मैंने ट्रैक सुना था वो मैंने किसका सुना था मुझे याद नहीं आ रहा, मैं तुम जाके दोनों मेरे चैनल पे चेकआउट कर लो, मैं तुम्हें आई बटन में दोनों डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। वो दोनों गाने भी अपने आप में बहुत ही बैंगर थे, एक का नाम था शायद मुआज़िज़ सारिफ, हाँ एक फारिश शफी भाई का था और हाँ एक गाना था मुआज़िज़ सारिफ और दूसरा गाना था ये दुनिया शायद, जिसमें तला अंजुम और फारिश शफी भाई था, तो जाके चेकआउट कर लेना, मजा आ जाएगा तुम्हें। तो चलिए सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं, वाइब करते हैं, लेट्स सी इसकी क्या वाइब होने वाली है। म्यूजिक क्वालिटी के तो एकदम टॉप नॉच होने वाले, लेकिन क्या बातें, क्या लव्स और किन अल्फाजों की बात होने वाली है। तो कानों की बाली मैं लगा चुका हूँ, बट अगर तुम चैनल पर नए हो तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो राइट नाउ, क्योंकि मैं डेली रिएक्शन वीडियो यहाँ पे डालता रहता हूँ। कानों की बाली लगी है, वीडियो पर अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं विद इन 3, 2, 1, लेट्स गो बेबी। कोक स्टूडियो सीजन 14। टाइम मशीन वाला सीन है क्या? फिर मिलेंगे फैसल कपाड़िया एक्स यंग स्टनर्स। फैसल कपाड़िया दिल के किसी कोने में ही याद तेरी मैंने छुपा रखी है, छुपा रखी है। भूला नहीं तू भी मुझे, बात यूं ही मैंने बना रखी है, बना रखी है। समाया थे दिल में वो ऐसे अनजाने, तो मिलते फिर कैसे, तुम बारिश में भीगे हम बहते समंदर किनारे जो रहते, उम्मीदें लगा के वो बैठे जो अपनों के गम वो भी सहते, ये दुनिया तो चाहती के बहके ये बाग सी खुशबू से महके। मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती, छाओं में धूप की तरह जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से यार तेरी लगातार लहू की तरह, अब खाए जाएं ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह, तेरे बिना नहीं घर भी घर अकेले महसूस ये किया, तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर्बाद और दिल का बाग भी रहा ना हरा, तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना, तू मुझ पे देख क्या बात है यार किया, तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर्बाद और दिल का बाग भी रहा ना हरा, तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना, तू मुझ पे देखे इंसान बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला, तू है मैं हूँ और गहरी खामोशी हम दोनों ही नहीं सुनते जो कुछ भी ये कहती होगी, गली है दिल की तंग अब तेरा उसमें आना ना हो, दिल के मोहल्ले में अब तेरे मेरा जाना ना हो, तू है मैं हूँ और सिर्फ फासले हैं, राब्ते मुनकता और मुंतजर हम आपके हैं, राजी नहीं रा इतना बड़ा मैंने
मैनेजमेंट, कितने ज़्यादा लोग, किस तरीके से हर एक चीज़ के डिटेलिंग पे काम, क्योंकि आप सिर्फ एक जगह पर बैठ के एक जगह पर रह के या रीटेक्स नहीं दे रहे हो, ये पूरा सिंगल टेक में शूट हो रखा है। पूरी ऑडियोज हों वो सब भी सिंगल टेक में शूट हो रही है, भाई के वोकल्स हों, हर एक चीज़ भाई सिंगल टेक में जा रही है। तो कितना अमेजिंग होता है ये सब चीज़ें, एक वन टेक में पूरी वीडियो शूट होना, वन टेक में ये सब चीज़ें करना, और भाई कितनी मेहनत लगती है। पूरे सोचो, पूरा एक घर होगा, उसमें पूरे फ्लोर पे तार बिछे हुए होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे, एक एक डिटेलिंग पे ध्यान देना, और साथ में गाना भी गाना, हर एक चीज़ कैमरा प्रेजेंस भी रखना। पापा दे भाई फासले हैं, राबते मुनकता और मुंतजर हम आपके हैं, राजी नहीं राजदार भी क्या मांगते हम, खामियों पे पर्दे लोग कम ही यहाँ डालते हैं, हम सिरहाने रख के ख्वाब रातें जागते हैं, हम तुम्हें तुमसे बहुत बेहतर जानते हैं। हम तुम्हें तुमसे बहुत बेहतर जानते हैं, सरगोशी में लूं नाम तेरा, तेरे लिए मैंने हया रखी है, हया रखी है, भूला नहीं मैं भी तुझे, मेरे लिए मैंने सजा रखी है। ये कितना ब्यूटीफुल है, सिर्फ देखना ही, और जैसे ही भाई क्रूम एंटर होता वैसे ही आपका बाप रे भाई पूरा वाइब ही चेंज, मेरे लिए मैंने सजा रखी है, रखी है। जिंदगी पे लिख चुके हैं फल, बोल नहीं जा रहे थे कि तला यूनुस का वर्स बहुत छोटा है, फिर से और सुनने का मन कर रहा है, आ गया। जिंदगी पे लिख चुके हैं फलसफे, इतनी दिल लगी कि खुद को ही ना पढ़ सके, बेकदर तो दर बदर यूं बेखबर ही चल पड़े, यादें खींचती हैं आगे ही ना बढ़ सके, सादगी बन चुकी है बाजी, मुंतजर खड़े उसी मकाम पे हम आज भी, आज फिर तू आई नहीं, आज फिर तू शायरी, आज फिर तू एक गुमानिया, तेरी खाएगी वो थी मेरी रजा अब दुआ बन गई, मेरे खुदा क्या सजा बढ़ गई, मैं जागू सारी रात वो सुबह बन गई, गरज के बरसते अब ये बादल नहीं, तू मेरे हर दर्द की दवा, मैं धूप में खड़ा महसूस कर जरा, मौसम बदलते हुए देखे हैं लोग है बदलते रूप की तरह, शामिल अब तेरे दीवानों में मिलेंगे, ख्वाबों में रहते ख्यालों में उलझे सवालों में, क्या तुम पहचानोगे या फिर मेहमानों से कैसे भरोसा करे अब इंसानों पे, तू ही ख्वाब तू ही मेरी ख्वाहिश, तू ही एहसास मैं बयाबान तू बारिश, मिलेंगे फिर कभी उम्मीद भी तू आस भी, खुली किताब करते जख्मों की नुमाइश, कहानी कहां खत्म होती है, पूरी नहीं हर कसम होती है, आज
एक तो भाई इनसेन लिरिसिज्म होता है दोनों के साइड से, यंगस्टर्स की साइड से चला जो तला यूनुस, लेकिन एक बहुत तारीफ करनी पड़ेगी फैजल कपाड़िया भाई की, जो भाई जिस तरीके से उन्होंने वो पूरा एक लेके चले हैं अपने साथ में उस माहौल को, उनके वोकल्स उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा भाई इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बीच में जो चेंजेस भी छोटे मोटे आ रहे थे वो भी इतने ज़्यादा एपिक लग रहे थे सुनने में भाई, मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग यार, मतलब आप ये सुन के किसी और जोन में चले जाओगे, डेफिनेटली खो जाओगे भाई, इतना ज़्यादा सुंदर गाना है भाई, मतलब भाई एक वाइब ही डिफरेंट है आप, और जो गाना जिस तरीके से स्टार्ट हो रहा था कि एक मिनट कोई आ गया है, हाँ तो यार देखो गेस्ट आ गए थे थोड़े से तो बेल बज गई थी थोड़ा वहाँ जाने सोचा, मैं ये कह रहा था भाई ये गाना जैसे शुरुआत होता ना लगता है आप एक टलक टाइम जोन में चले जाते हो, एक टलक टाइम जोन में हो, अलग अलग विजुअल्स दिखा रहे हैं पेड़ों के और इन सब चीज़ों के और अलग अलग जगहों के, वही होता है एट द बीच में और एंड में कि आप कहीं और पहुँच जाते हो इस गाने को सुनते सुनते, तो ये अपने आप में बहुत अमेजिंग बात है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, आई होप तुम लोग को भी पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, मिलते तुमसे किसी और दिन ऐसे ही, टिल देन बाय।